क्या आप भी वीजा हासिल करना चाहते हैं? आप में से कौन कौन जो है अब्रॉड माइग्रेट करना चाहता है, ये वीडियो आप ही के लिए है। आप माइग्रेट करना चाहते हैं लेकिन आपको मालूम नहीं है कि किस तरह से प्रोसेस करना है, किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करने के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होती है, कहीं का भी वीजा अप्लाई करने के लिए क्या जरूरी है हमको एजेंट हायर करना। जी तो दोस्तों, अब आप खुद जो है अपने कंप्यूटर से किसी भी कंट्री का ऑनलाइन वीजा अप्लाई कर सकते हैं। क्या वीजा के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट जरूरी है? वर्क परमिट को लेकर किस तरह से एजेंट आपको धोखा दे सकते हैं? वीजे का स्कैम आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है, एजेंटों से किस तरह बचा जा सकता है? आपको जो ऑफर लेटर मिला है क्या वो दुरुस्त है? आप किस तरह अपना वीजा जो है कंफर्म कर सकते हैं? आपको किसी एजेंट ने जॉब ऑफर लेटर भेजा है, किस तरह से उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि वो जेन्युइन है या नहीं है? फेक जॉब ऑफर लेटर को किस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं? क्या लो प्रोफाइल लोग भी विजिट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं? विजिट वीजा के लिए ट्रेवल हिस्ट्री लाजिम नहीं है, आपकी प्रोफाइल अगर अच्छी है तो आपको वीजा जरूर मिलेगा। किसी भी एजेंट को पैसा देने से पहले ये चीजें लाजिम चेक कीजिए। किसी भी एजेंट को ऑनलाइन पैसा कभी ट्रांसफर ना कीजिए। वीजा जो है हमेशा एम्बेसी ही लगाकर देती है। वीजा अगर आपका अप्रूव्ड हो गया है तो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट आपने लाजिम जो है VFS या फिर एम्बेसी या फिर उसकी थर्ड पार्टी अप्रूव्ड कंपनी को ही भेजना है। किसी भी एजेंट को आपने अपना ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं देना है। अगर ये तमाम इंफॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं तो हैदर खत्री वीलॉग को अभी जो है सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितनी भी वीजे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाकर मैं आपको डिफाइन कर सकूं।